दीवार गिरने से एक दर्जन महिलाएं घायल, घायलों का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी। महिला की मौत के बाद गमी में गई महिलाओं के ऊपर गिरी दीवार, एक दर्जन से अधिक महिलाओं के आई चोट, सभी महिलाओं को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में किया गया भर्ती। फिरोजाबाद के थाना फरेहा क्षेत्र के गांव कमालपुर रखावली में एक मुस्लिम परिवार में एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई थी। उसके शव को गांव में लाया गया था, बाकी महिलाएं गमी में उसके घर पर गई थी, तभी वहां एक दीवार गिर गई जिसमें करीब 14 महिलाएं दबकर घायल हो गईं। सभी घायल महिलाओं को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। वहीं महिलाओं के कहां कहां गंभीर चोट है उसको लेकर एक्सरे भी कराए जा रहे हैं। विजेंद्र कुमार, अरे मतलब मुसलमानों में एक लेडी खत्म हुई, उनको देखने आई थी, मतलब हमारे मोहल्ले की लेडी 15-20, तो वो वहां पर बैठी ना जाके, तो एक दीवार पलटी उनके ऊपर, तो उन सभी के लग गई, किसी का पैर टूट गया, किसी के मतलब बाजू, किसी के फेफड़ों में चोट है, और कुछ लेडियां उनकी ज्यादा मतलब गंभीर हालत है, मतलब है 3-4 उधर है जो उनके, एक के तो ऑक्सीजन सी लगी हुई है, अभी अभी 15-16 है लगभग, अभी काउंट नहीं है, बोल कमाल को लगा दे। मेरा नाम भूरी सिंह, ऐसा है कि जी बहु मतलब मामला ना खत्म है गई कल, तो गांव में जो ले गए तो घर उतार लई है, जैसे देख वे जे आई देख के बैठ गई है, मई मतलब खड़ी है गई, तो दीवार जैसे पंटी है, तो बा में 16 लोगों ने के चोट है, महिला सब ही है, सब महिला ही जो अति गाय 15-20 वाला है, 16 ना का तो चोट है, हाँ खत्म कोई ना हो, गंभीर तो ज्यादा कोई ना है, ना ये जैसा कि अभी सूचना मिली हुई है, ये कमालपुर एक ग्राम सभा है, थाना फरिया में पड़ता है, तो वहाँ पे एक दीवार जो है वो पुरानी दीवार थी, गिर गई थी, जिसके वजह से वहाँ पे कुछ लोग चोटिल हुए हैं, और सब लोगों को एम्बुलेंस से माध्यम से यहाँ लाया जा रहा है, यहाँ उनका एक्सरे चल रहा है, कुछ लोगों को जो भी उनको उपचार है, हमारे साथ सीएमओ साहब है, उनको प्रॉपर उपचार देने की कार्रवाई की जा रही है, सीएमओ साहब स्वयं मौके पे वहाँ पे उपस्थित हैं, वहाँ पे एसडीएम साहब हैं, और मैं एज ए सीडीओ यहाँ जिला अस्पताल में हूँ, जो भी मदद है हमारे जो भी पेशेंट हैं उनको हर संभव मदद देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो जो अभी तक जो सूचना मिली है कि वहां पे एक दीवार थी, वहां पे कुछ लोग किसी चीज में उपस्थित थे और उस दीवार के गिरने से ये घटना हुई।